नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक पेटीएम का साउंड बॉक्स है और आज हम आपको बताएंगे कि ये साउंड बॉक्स अगर खराब हो जाए तो आप इसको किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, कैसे ये चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी स्क्रू हमारे यहाँ पर मेंशन नहीं है और ये हमारा पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है ये बिल्कुल से हमारा खराब हो चुका है। तो सबसे पहले काम करना है आपको अपने इस साउंड बॉक्स को स्विच ऑफ कर लेना है। यहाँ से ये पावर बटन है, स्विच ऑफ हमने कर लिया। यहाँ से हमारा इसका सिम लगा रहता है जो कि नेटवर्क का रहता है, हमें ये इसको रिमूव कर लेना है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ये लगा रहता है, हम इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे ये पॉइंट है जो कि इसके स्पेस को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ पर हमारा चार्जिंग स्ट्रिप है, ये हमारी बत्ती इंडिकेट करती है, इंडिकेशन करता है चार्जिंग का, तो इसके पास देखिए चार पॉइंट्स हमारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इनको आपको रिमूव करना है, थोड़ा सा हमारे प्रॉपर वे में सेट किए जाते हैं तो इनको हमें रिमूव करना होता है। तो इसके नीचे हमारे स्क्रू है तो इनको हमें सभी को चारों पॉइंट्स को रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने चारों पॉइंट्स को रिमूव कर दिया और अब आप देख पा रहे हैं इसके नीचे हमारे चार स्क्रू मेंशन किए गए हैं। तो ये चारों स्क्रू को हमें ओपन कर लेना है। ये हमें ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसको रिमूव कर लिया और ये चारों के चारों स्क्रू हमने ओपन कर दिए और इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर चार्जिंग का स्लॉट है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रू हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा बैटरी का स्लॉट है, ये बैटरी का स्लॉट हम रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी चार्जेबल बैटरी है इसके अंदर और ये हमारा इसका स्पीकर का दिया हुआ है, दो स्पीकर इसमें लगाए हैं। ये हमारा सिम स्लॉट है और ये देखिए नीचे इसके बटन हमारे मेंशन किए गए हैं। तो इसमें जो स्पीकर है उसमें प्रॉब्लम है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा ये ओपन होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये हमारा बैक पैनल है इसमें ये हमारा एंटीना मॉड्यूल बनाया गया है जो कि हमारे यहाँ पर एंटीना पे आके टच होता है जिससे हमारा नेटवर्क हमारा पकड़ता है। तो इस प्रकार से आप अपने साउंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही आसानी से उसको आप रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक शेयर, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।